हेलो ओडिशा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू सेकेंड एपिसोड फ्रॉम आनंदपुर केउंझर। हथगड़ वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी जंगल सब स्टार्ट गड़चंडी मंदिर सांक्चुरी पादेशर थिला बेले एबे किंतु आमे सांक्चुरी जंगल भितर को जाउछु। तेबे सांक्चुरी भितर को जिबा पई एंट्री पास लेके जिबा को पड़िबो, सेति पई एठी एंट्री गेट रहिछि। टिकट करै पड़िबो। एठी प्रति गाड़ी पिछा फी अच्छी 5 टंका, ता छड़ा जनक पिछा 40 टंका एवं कैमरा पई 10 टंका फी रही। ग्रुप आसले किंबा स्टूडेंट मानक पई डिस्काउंट भी रही। तेबे रिमोट जगह हेतबेरु चेज नेकी आसबे। एठो डैम रो राइट साइड रो पहाड़ देखा गलानी जोटा कि बोड़ा हिल्स रेंज रे जाउची। आ गोटे कथा अपन जानछथि कि हथगड़ वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी होउची केउंझर जिल्लार एकमात्र वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी एवं यार सीमा सिमलपाल एवं कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी को लागि रहिछि। हथगड़ मार्केट एरिया आसीगला। एटी किसी छोट दुकान सहित जवाहर नवोदय विद्यालय रही जहार प्रतिष्ठा 1987 मसीह। यही रोड आग को जाकि हथगड़ डैम रे ही सरी। हथगड़ डैम आखपाख लोक मानी एक पॉपुलर पिकनिक डेस्टिनेशन। आ पिकनिक स्पॉट को जीवाई डाहाण कड़े रास्ता जाइए। सामने रे डैम रो गेस्ट हाउस अच्छी। आज 26 जनवरी छुट्टी दिन पर मंगलवार हेले भी भिड़ अच्छी। जगार नाम अनुसार लोक मैंने हथगड़ डैम कहते किंतु नामफलक अनुसार यार ऑफिशियल ना है सालंदी डैम जहाँकि सालंदी बैतरणी अन्यतम उपनदी उपर रही। ये बोर्ड मारा है कि निषिधांचल समस्त प्रकार गाड़ी जीवा मना। पचर पुराणा बोर्ड में किंतु खाली 4 चकिया 6 चकिया गाड़ी रेस्ट्रिक्टेड बोली लिखाई तेना नुआ रूल अनुसार बाइक भी ब्रिज उपर नहीं जाहबन। डैम ब्रिज लंबा होची 817 मीटर तेणु 0 पॉइंट पाखे पहुँचा गले गोटे किलोमीटर पाखे चलिक जीवा पड़ो। हथगड़ डैम 1978 मसीह वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी मान्यता पाई हथगड़ वाइल्ड लाइफ सांक्चुरी प्राण केन्द्र। एठाकर वन्यप्राणी मुख्यतः ये जलाशयर पानी उपर ही निर्भर करते। हथगड़ डैम रिजर्वर फास्ट व्यू ये तले 8टा स्पिलवे गेट रही। डैम बृहत धरण जलसेचन प्रकल्प होइतबारु बाहर से बड़ मेंटेनेंस जंत्र सहित एठी ऑटोमेटिक वाटर लेवल रेकॉर्डर लागिछि जोठु कि डैम रो वाटर लेवल रो मॉनिटरिंग आ एनालिसिस करि हबो। एठु तळक जाय कि रिजर्वर पानी को पाखरो देखियबो आ आपन डैम रा बंधरे बसे कि प्रकृतिर मजा नै पारिबे। दिल साइड तेरे पानी भीतर को जानते नहीं कारण पानी गभीर रही एंट्री गेट पाखे वार्निंग भी रही है। एवं देखू डैम रिजर्वर भ्यू। डैम शेष भाग में 0 पॉइंट अच्छी किंतु किसी भी गाड़ी डैम ब्रिज पर छड़ा जा नार चलिकी 800 मीटर पाखाखी जावाक पड़ो। आज कुहड़िया पागे सनसेट से क्लीअर जना पड़नी। एवं हथगड़ डैम विषय किसी इनफर्मेसन जानियंतु। यह डैम को सालंदी नदी बैतरणी नदी एक उपनदी पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी अवबाहिकार विभिन्न जलधारा मान जलसेचन और बना नियंत्रण निमित्त निर्माण कर यार काम 1960 मसीह आरंभ ही 1983 मसीह सरी। यार प्राथमिक व्यय अटक 4,57,00,000 कर प्रकल्प संपूर्ण होबारे 16 कोटी और 49,00,000 खर्च होता। यह बृहत जलसेचन प्रकल्प वर्तमान बालेश्वर भद्रक और केउंझर जिलार चाषी मैंने उपकृत हो पार्ते। विद्याधरपुर बारेज है प्रोजेक्टर अन्य भाग। यही हथगड़ डैम लंबा हो 810 मीटर और उच्चता हूँ 52 मीटर। यही डैम टाइप को डायभर्सन एंड स्टोरेज टाइप कह जाए कारण डैम पानी को सीधासलख भाव में जलसेचन व्यवहार करूँ पानी को 6 किलोमीटर दूर थी विद्याधरपुर बारेज को छड़ा जाऊँगी से पुणी पानी को सारंदी मेन क्लान मध्यम जलसेचन व्यवहार कर। Storming
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳଭାଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେଉଁପଟେ କି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଠି ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳଭାଗ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ବହୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ଏଇ ସାଇଡ୍କୁ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉନଥିବ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ପିକନିକ୍ ଏରିଆ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପପୁଲାର ପିକନିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଡାହାଣକୁ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଅଛି, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ। ତେବେ ଏବେ ପାଣି କମ୍ ଥିବ ବୋଲି ଗଲୁନି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କେଉଁଝର ଘରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଟାଇମ୍ ବି ସେତେ ବେଶୀ ନଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଏବଂ ଏହିଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।